परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ फिर आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की तरफ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 सुदामा चरित, जो की नरोत्तम दास जी की रचना है। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो पहले भाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा। पहले भाग में हमने पढ़ा कि कैसे सुदामा जी अपनी पत्नी के हट करने पर, अपनी पत्नी के आग्रह पर, पत्नी के विनती पर श्री कृष्ण की नगरी में आते हैं, द्वारका नगरी में आते हैं और उनका फटे हाल देख करके, उनका बुरा हाल, उनकी दयनीय स्थिति देख करके द्वार पर श्री कृष्ण जी को जाके संदेश देता है और बताता है कि कोई दुर्बल ब्राह्मण है जो कि जिसके सर पे ना तो पगड़ी है, ना उसने ढंग के कपड़े पहन रखे हैं, ना उसके पैरों में जूते हैं, एकदम दुर्बल दीनहीन ब्राह्मण आया हुआ है और वो कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण मेरा बाल सखा है। जब द्वारपाल जाके संदेश देता है कृष्ण को तो कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने के लिए आते हैं, लेके जाते हैं, उसको गले लगाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, अपने आंखों के आंसुओं से, नेत्रों के जल से उनके चरणों को पखारते हैं, उनका पूरी तरह से आदर सत्कार करते हैं। और फिर जब सुदामा अपने काफ में दबाए हुए जो चावल की पोटली लेकर के आते हैं, उन पोटलियों के लिए उन्हें उलाहना देते हैं कि जैसे तुमने बचपन में माता गुरु माता के द्वारा दिए हुए चनों का सेवन कर लिया था, मुझे बिना बताए तुम उसे खा गए थे जबकि उसमें हिस्सा मेरा भी था, क्या तुम इस बार भी मेरी भाभी के दिए हुए चावलों को खाना चाहते हो? ये गलत है। अब आगे क्या होता है, आदर सत्कार हो गया, बहुत वार्तालाप हो गई, अब विदा होने का टाइम आया। विदा करते समय कृष्ण जी ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया और इसी बात का अफसोस सुदामा जी को है। वो रास्ते में जब आ रहे हैं, आते समय वो ये सोच रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि मैं बेफालतू ही बिना किसी कारण यानी बेकार में यहाँ आया कृष्ण के पास में, क्योंकि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी पत्नी जिसके हट करने पर मैं यहाँ आया था, मैं उसको अब क्या जवाब दूंगा जाकर के। वो ऐसा सोचते हुए निकल रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं और जब सोचते हुए जाते हैं, जैसे ही वो जाकर के कहाँ पहुंचते हैं, अपनी नगरी में पहुंचते हैं, तो वहां पहुंच करके उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया, छोटे छोटे जो घर के आस पड़ोस में, वो नहीं दिख रहे बिल्कुल भी। अब उन्हें उसकी जगह क्या दिख रही है, बड़े बड़े राजमहल दिख रहे हैं, जैसी द्वारका नगरी थी वैसे की वैसी नगरी वहां बनकर के तैयार थी। उनकी पत्नी को नहीं पहचान पाए, उनकी पत्नी बहुत सुंदर हो गई, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, बहुत गहने उन्होंने पहन रखे हैं, जहाँ दो वक्त भोजन के लाले थे, दो वक्त पेट भरने के लिए जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था, आज वही बहुत अच्छे सौभाग्यशाली लोग हो गए हैं, धनवान लोग हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति देख करके सुदामा मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद देते हैं और कैसे देते हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसी स्थिति आई है, पढ़ते हैं सुदामा चरित भाग 2। अब सुदामा विदा हो गए, तो विदा होते समय वो कह रहे हैं, विदा होने के बाद यानी द्वारका के महल से वो बाहर आ गए हैं और अब अपनी नगरी की ओर आ रहे हैं जहां से वो चले थे। क्या कह रहे हैं, वह पुल गनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछुना जानी क्या, कहां भया जो अब भयो, हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेली, अब कही हो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब यहाँ पर मन में विचार कर रहे हैं कौन, सुदामा जी क्या विचार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नाहक की जब वो गए थे तो कृष्ण ने उन बहुत रोमांचित हो गए थे, बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे उनको देख करके, उनकी दशा को देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो कह रहे हैं वो पुलकनी, पुलकनी है ना रोमांचित होना, वह उठी मिलनी, वह उठ करके मिलना, ठीक है, वह आदर की बात, और जितना भी सम्मान जितना भी आदर मेरा वहां हुआ था वैसा दिखावा था। वो ये सोच रहे हैं, वह पटवानी गोपाल की कछुना जानी क्या, कि जहाँ गोकुल में वो पढ़कर के आए थे, जहाँ उन्होंने गायों का पालन किया था, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, ये उन्हें क्या लगा, बुरा लगा, किसे, सुदामा को, क्योंकि सुदामा जी ये जानते थे, ये चाहते थे कि वो उनके बारे में जाने, उनकी जो दुविधाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया था जो हमारे गोपाल हैं, गायों को पालने वाले हमारे कृष्ण हैं। उन्होंने कहा भया जो अब भयो, हरि को हाज समाज, कह रहे हैं कि क्या हुआ, ये तो अब राजा बनाया हरि कौन, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, कि क्या हुआ जो अब ये राजा हो गया, घर घर कर ओढ़त मिले, कि बचपन में तो घर घर में डोलते फिरते थे थोड़े से दही के लिए, तनक दही के कार जरा से दही और माखन के लिए ये हर घर में चोरी किया करते थे और हमारे साथ यानी सुदामा जी, कृष्ण जी,
बलराम जी उनकी टोली हुआ करती थी। सारे सखा मिल करके आते जाते ग्वालनों की मटके फोड़ा करते थे, माखन खाया करते थे, दही खाया करते थे, दूध पिया करते थे। तो इस प्रकार की शैतानियां ये लोग करते थे, शरारतें करते थे। तो ये इनको स्मरण आ रही है, ये स्मृति आ रही है, याद आ रहा है सुदामा जी को। ठीक है, तो कह रहे कि अब राजा हो गया तो क्या हुआ, बचपन में तो ये खुद भी चोर था, चोरी करके माखन खाया खाया था जरा जरा सा। हाँ आवा तो नहीं हो तो वाहे पटे उठी थी कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी पत्नी, वो तो पत्नी ने हट किया था इसलिए मैं आ गया। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली, कि अब वो यही कहेगी कि कैसा मित्र है तुम्हारा, कैसा दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, सारा धन सकेल के, सारा धन समेट के अपने पास ही रख रखा है, कि अपने मित्र की थोड़े से धन देकर के सहायता नहीं कर सकता था। ऐसा वो विचार कर रहे सुदामा जी कि वो विदा हो गए घर से, उन्हें उनके मित्र ने कुछ नहीं दिया, वो बहुत आशाओं के साथ आए थे, मांगने की हिम्मत तो उनमें नहीं थी, कि वो नहीं चाहते थे कि मैं मांगू आगे होकर के, वो ये चाहते थे कि भगवान जो कृष्ण है वो बिना बोले मेरी बात को समझे और मेरी सहायता करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है देखिए, अब वैसा ही साज समाज बने, गज बाजे भने मन संभम छायो, कैगो पर्यो कहूं मारग भूली की फेरी के, मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलोक वे को मन सोचत, अब सोचत ही सब गांव मचायो, पूछत पांडे फिर सब फिरे सब सो पर, झोपड़े को कहो खोज ना पायो। अब सुदामा जी सोच विचार करते हुए कहां गए, अपनी नगरी में आ गए, द्वारका पार कर लिया, द्वारका पार करके अपनी नगरी में आ गए। अब नगरी में वो जैसे ही आए हैं उन्हें चारों ओर भव्य महल दिखाई दे रहे हैं, ऊंची ऊंची अटारियां दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग दिखाई दे रहे हैं जो खूब पहने ओढ़े हुए हैं, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। अब जब उन्होंने आसपास से सब देखा तो कैसा माहौल लगा उन्हें, कैसा वातावरण लगा, जैसा द्वारका में वो देख करके आए थे, बड़े बड़े महल देख करके आए थे, बड़े सुंदर सुंदर वेशभूषा में वो लोग देख करके आए थे, वैसा ही उन्हें अपनी नगरी में नजर आ रहा है। तो आप देखो वैसा ही राज समाज बने कि वैसा का वैसा राजमहल बन गया, वैसा का वैसा समाज बन गया, गज बाजी घने मन संभम छायो, चारों ओर हाथी घोड़े और बहुत सारे क्या बन गए, मनहार करने वाले लोग एकत्रित हो गए, आदर सत्कार करने वाले नौकर चाकर खड़े हो गए हैं, कैदो पर्यो कहूं मार्ग भूली कि क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ। सुदामा जब ये देखते हैं द्वारका नगरी जैसा हाल देखते हैं, वातावरण देखते हैं, तो वो स्तंभित रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ, कि फेरी के नाम द्वारका है, कि मैं वापस लौट करके द्वारका में आ गया, मेरी नगरी में नहीं, मैं किसी वापस द्वारका नगरी में आ गया हूँ। भवन बिलोक को मैंने सोचा कि ये जो भवन जो है ये तो अलग ही लग रहा है, ये तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, छोटी सी कुटिया थी, वो तो नजर ही नहीं आ रही, यहाँ तो बड़े बड़े भवन हो गए हैं। अब सोचत ही सब गांव मझायो, और आसपास लोग जब गांव वालों से पूछते हैं, गांव वालों से जानकारियां लेते हैं, तो उन्हें उसे वो वही उनके गांव वाले नजर आते हैं, उन्हीं के आसपास के लोग नजर आते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारी ही नगरी है, तुम्हारे ही महल है, तुम्हारे ही लोग है। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़े को कहीं खोज ना पायो, वो आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनकी झोपड़ी जो है वो महल में परिवर्तित हो जाती है श्री कृष्ण जी की दया से। आगे देखते हैं, कह रहे टूटी सी छानी हाथी, कह कंचन के अब धाम सुहावत। अब यहाँ पर जो सुदामा जी है वो मन ही मन श्री कृष्ण भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि वाह रे काना, तूने आते समय तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन जब मैं मेरी नगरी में पहुंचा तो तूने सब कुछ बदल दिया, हे काना तुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ऐसा सखा मिला, ऐसे सखा के द्वारा मुझे ये सब चीजें मिली। अब क्या कह रही है कि कह रहे टूटी सी छानी हाथी, कि कहा तो वो टूटी हुई छान से बनी हुई झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहा अब सोने के महल बनके तैयार हो गए, कंचन यानी सोना, कि कहा वो सोने के महल सुहावने लग रहे हैं, बहुत शोभायमान हो रहे हैं, कह पग में पर ही ना थी, कहा तो पैरों में पहनने के लिए जूतियां तक नहीं थी, और जूतियां ना होने के कारण उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे, लहू लुहान हो गए थे, बिवाइयां उनकी फट रही थी, ऐसी स्थिति में अब कह ले गजराजो ठाड़े महावत, कहा अब हाथियों को लेकर के महावत खड़े हैं उनकी नौकरी करने के लिए, उनकी चाकरी सेवा करने के लिए, भूमि कठोर पे रात कटे, कि जिस कठोर भूमि पे वो रात बिताते थे, यानी उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं होते थे, वो जमीन पर लेट करके जमीन पर अपना
शयन करते थे, कहे को उमर सेज पे नींद ना आवे तो कहां अब मखमल का बिस्तर उन्हें मिल गया सोने के लिए, कहां उन्हें आलिशान बिस्तर सेज मिल गया उन्हें शयन करने के लिए। के जिरतो नहीं कोटो समा पर भूखे परताप तिदाख न भाव, कहां तो दो वक्त का भोजन भी एकत्रित करने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिलता था, अर्थात उन्हें भिक्षा के रूप में दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण थे जाति से सुदामा जी, इसलिए वो भिक्षा यापन करके भिक्षाटन करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो कहा तो उन्हें भीख में दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था और अब तरह तरह के पकवान उन्हें खाने के लिए मिलेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के सुदामा जी है जो कृष्ण जी भगवान को क्या दे रहा है, धन्यवाद दे रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, सखा हो तो आपके जैसा जो बिना कुछ बोले बिना कुछ समझे ही सबकी विघ्नों को सबकी बाधाओं को हरण कर लेते हैं, सबकी समस्याओं का निराकरण कर लेते हैं। हे कान्हा, आपने जैसे मित्रता निभाई इस संसार में शायद ही ऐसी कोई मित्रता निभा पाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।